अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, टुडे आवर लेक्चर इज़ लेक्चर 1 एंड चैप्टर इज़ यूनिट 2 फूड एंड बैलेंस्ड डाइट। बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था डाइट का, बैलेंस डाइट का। आज हमने वो डिस्कस करना है, फिर हमारा यूनिट 2 एंड हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 2 है फूड एंड बैलेंस डाइट, टॉपिक है डाइट जो आज हमारा मेन टॉपिक है। द फूड दैट वी ईट एवरी डे इज अवर डाइट, जो बेसिकली डाइट की डिफाइन है, ठीक है। अब डाइट है क्या? हम अपनी डेली लाइफ में जो भी चीज़ खा रहे हैं वो हमारी डाइट है, ठीक है। अब उनमें हम कुछ ऐसी है जो हमारे लिए फ़ायदा मंद है और कुछ ऐसी है जो हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं है, बट वो डाइट है, ठीक है। फ़ायदेमंद है तो भी और नहीं है तो भी, क्योंकि आगे हम डिस्कस करते हैं कि उसकी मज़ीद काइंड्स भी हैं डाइट की, ठीक है। लेकिन अभी हम डिफ़ाइन को डिस्कस कर लेते हैं। द फूड दैट वी ईट एवरी डे इज़ अवर डाइट, जो चीज़ भी हम, जो खुराक भी हम खा रहे हैं अपने डेली लाइफ में वो हमारी डाइट है। अब क्या है हमारी डाइट जो है, अगर हम कहते हैं हम प्रॉपर डाइट ले रहे हैं तो इट मीन्स हमें जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें प्रॉपर क्वान्टिटीज़ होनी चाहिए न्यूट्रेंट्स की, जो भी हम डाइट ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम उसे कहते हैं कि प्रॉपर ले रहे हैं, अगर हम प्रॉपर डाइट लेते हैं तो उससे हम क्या, हम हेल्दी रहेंगे, ठीक है। अब प्रॉपर डाइट में क्या क्या कंटेन करेगी, उसमें अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब जो हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट टॉपिक में। तो ये सब वो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको कि अगर हम ये सब अपनी डाइट में, हमारी डाइट में शामिल है, इट मीन्स हम प्रॉपर डाइट ले रहे हैं, ठीक है। तो अब वो चीज़ें कौन कौन सी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ठीक है। जो हमने ग्रुप्स पढ़े थे फूड के, फूड ऑफ ग्रुप्स पे हमने पढ़ चुके हैं वही, ठीक है। चलें हम डाइट के टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। अब डाइट की 2 काइंड्स हैं, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ टीथ है इस तरह से, लेकिन ये काइंड्स हैं, सही है। तो मतलब 2 तरह की होती है डाइट, कैसी होती हैं और हम कैसी ले रहे हैं हम देखते हैं। बैलेंस डाइट और अनबैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट नाम से हमें पता चला है कि बैलेंस होगी, इट मींस उसमें हमारे ज़रूरत की चीज़ होंगी, जो जिन जिस चीज़ की हमारे बॉडी को ज़रूरत है, मींस प्रॉपर डाइट होगी। अनबैलेंस नाम से पता चला है कि प्रॉपर डाइट इट मीन्स हम नहीं ले रहे होंगे, जिसमें कुछ ना कुछ कमी होगी या जो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगी, ठीक है। जैसे बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग एवरीथिंग दैट आवर नीड बॉडी नीड्स, कि बैलेंस डाइट का मतलब हम वो चीज़ ईट करना है, वो चीज़ खाना है जिसकी हमारे बॉडी को नीड है, ज़रूरत है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है बैलेंस डाइट की, कि एक तो बैलेंस डाइट देखिए, बैलेंस डाइट जब हम लेंगे तो हम खुद ही हेल्दी रहेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ठीक है। तो बैलेंस डाइट कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, इट सेव्स अस फ्रॉम डिजीजेस। मैंने आपको बताया था पहले भी कि अगर हम, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है, मीन्स अगर हम अच्छी डाइट ले रहे हैं तो हम पे डिजीज़ के हमें अटैक कम होंगे, मतलब कोई भी बीमारी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। अब अनबैलेंस डाइट का कंपैरिजन करते हैं बैलेंस डाइट से। बैलेंस डाइट क्या है कि हर वो चीज़ है जो हम, जिसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत है। अब हम ये तो नहीं कह सकते अनबैलेंस डाइट की तो हमारे बॉडी को ज़रूरत नहीं होगी ना। अनबैलेंस डाइट बच्चे नेम से पता चल रहा है कि अनबैलेंस डाइट मीन्स वो हमारी जो जिस जिस चीज़ की हमारे बॉडी की ज़रूरत है वो सब चीज़ें, उन सब चीज़ों को पूरा नहीं कर रही। अब प्रॉपर डिफाइन देख लें, अ डाइट दैट लेक्स कहते हैं कमी को, या कमी होना किसी चीज़ की। लेक्स इन वन और मोर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज़ कॉल्ड अनबैलेंस डाइट। इसमें इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स की जो है वो लेक्स है, कमी है, तो वो उसे हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस डाइट। तो इसके हमारे हो गए थे क्वेश्चन नंबर 16, हमने क्लास में कर लिए थे। 17 है डिफाइन डाइट, 18 है डिफाइन बैलेंस डाइट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अ बैलेंस डाइट, ये क्वेश्चन है कि आपने डिफाइन भी बतानी है बैलेंस डाइट की और आपने उसकी इम्पोर्टेंस भी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 19 है डिफाइन अनबैलेंस डाइट।
ठीक है। अब इसके आप बुक्स ओपन कर लें अपनी और मैं आपको निशान लगवा देती हूँ कौन सा क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है डिफाइन डाइट, तो डाइट का आंसर ये होगा द फूड वी ईट एवरी डे इज़ अवर डाइट। ये है क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 18 डिफाइन बैलेंस डाइट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट ये इधर से करेंगे। अब बैलेंस डाइट मीन्स ईटिंग एवरी थिंग डैट अवर बॉडी नीड्स। यहाँ तक करने के बाद यहाँ से करेंगे हम बैल, ये इंपॉर्टेंस है। बैलेंस डाइट कीप्स अस हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग, इट आल्सो सेव्स अस फ्रॉम डिजीजेस। ये है आंसर 18। अब है 19 डिफाइन अनबैलेंस डाइट। तो ये जो फन फैक्ट्स का बॉक्स है ये अनबैलेंस डाइट की डिफाइन। अ डाइट दैट लैक्स इन वन और मोर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड इज कॉल्ड अनबैलेंस डाइट। तो बच्चों आज आपने 3 क्वेश्चन ही लर्न करने हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन है, ठीक है। और यही आपने जो सैटरडे को अपने काम स्कूल में सबमिट करवाना था उसमें आपने 3 लिखने हैं, लिख के सबमिट करवाना, ठीक है, शीट्स पे, जिस तरह से पहले ऑनलाइन क्लासेस हुई थी तब हमने किया था। तो उसी तरह से आपने शीट पे लिख के इन तीनों क्वेश्चंस को और स्कूल में सबमिट करवाना है सैटरडे को, लर्न लाजमी करना है, ठीक है, ताकि आप साथ साथ तैयार करेंगे तो नेक्स्ट हम चैप्टर की तरफ भी आगे सही से पढ़ सकेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि आज हमारा यूनिट नंबर 2 एंड हो गया, इसका एक ही टॉपिक रहता था और हमने स्कूल में कर लिया था, ठीक है बच्चों। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।